मॉड्यूल फोर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आर यू ओके? लास्ट थ्री लेक्चर मींस मॉड्यूल जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आज का हमारा मॉड्यूल नंबर फोर, इट मींस हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन, नेम इज सॉलिड स्टेट, एंड लेक्चर नंबर फोर मींस मॉड्यूल नंबर फोर। सो आर यू रेडी? ओके, सो लेट अस सी, वी वांट टू नाउ व्हाट विल डिस्कस टुडे। ओके, सो बिफोर द डिस्कशन, बिफोर द डिस्कशन व्हाट वी लर्न, व्हाट विल लर्न टुडे, हमें लास्ट मॉड्यूल के बारे में पढ़ना चाहिए। लास्ट मॉड्यूल में मैंने आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन कराया था, लुक एट द बोर्ड, डिफाइन क्रिस्टल लेटिस, यूनिट सेल एंड देयर पैरामीटर्स, क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड ब्रेविस लेटिस। होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, मैं एक बार उसी चीज को फिर रिवाइज कराता हूं, जिससे कि आपके माइंड में, टू बी केप्ट इन योर माइंड ऑलवेज, व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला था आप लोगों की द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट, रेगुलरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक, देन फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, देन फॉर्म अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। इज दैट क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लेटिस, और ठीक, यूनिट सेल, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल विच रिपीट अगेन टू अगेन, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इट मींस थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट कर दे, देन फॉर्म ए क्रिस्टल लेटिस। इट मींस इन ए क्रिस्टल लेटिस ऑफ क्रिस्टल कंटेन इनफिनाइट यूनिट सेल। ओके, जब लेटेस्ट पॉइंट को यानी कंस्टिट्यूएंट पॉइंट को वी ज्वाइन बाय ए स्ट्रेट लाइन, और ऐसा करने से जो स्मॉलेस्ट यूनिट तैयार होती है वो कहलाती है, विच इज नॉन एज यूनिट सेल। इज दैट क्लियर? उस क्रिस्टल के, क्रिस्टल लेटेस में जितनी भी इंफिनाइट यूनिट सेल होंगी सब एक जैसी होंगी। हां, दूसरे क्रिस्टल में अलग हो सकती है, लेकिन एक क्रिस्टल में सिमिलर होंगी। इट मींस यूनिट सेल इज रिप्रेजेंट एंटायर क्रिस्टल लेटिस। इसका मतलब क्या निकला कि आपको पूरे क्रिस्टल को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, उसकी यूनिट सेल को आप स्टडी कर लो। तो यूनिट सेल का टाइप्स क्या है, या उस यूनिट सेल की आइडेंटिटी, फिक्स आइडेंटिटी क्या है, हाउ टू नाउ, जैसे आपके स्कूल की आइडेंटिटी क्या है, आपकी यूनिफॉर्म, आपके स्कूल का रिजल्ट, आपके स्कूल के बेस्ट टीचर, आपके स्कूल का डिसिप्लिन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ योर स्कूल, राइट। सिमिलरली यूनिट सेल की वही आइडेंटिटी उसके पैरामीटर कहलाती है। यू नो वेरी वेल, देर आर सिक्स पैरामीटर विच रिलेटेड टू यूनिट सेल, विच जो एक्सप्लेन करेगी, जो बताएगी कि वो क्रिस्टल किस सिस्टम को बिलोंग करता है। ओके, तो हम लोगों ने सेवन टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी किया था। पैरामीटर समझ में आ गया, एज लेंथ एंड एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एबीसी, अल्फा, बीटा, गामा, टेबल बनाई थी हम लोगों ने, सेवन क्रिस्टल सिस्टम, सी टोर एच एम टी, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्साक्लिनिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, राइट, सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। उनके मैंने पैरामीटर्स बताए थे आप लोगों को, एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टडी किया था, ट्रिक्स भी मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट वीडियो। आपकी जो वीडियो चलती है ना, आप उसे दोबारा, पिछले वीडियो देखना है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे तो पिछले वीडियो निकल आएंगे, वीडियो नंबर वन, वीडियो आई जैसा साइन बना, आई जैसा, उस पर क्लिक करो, लास्ट प्रीवियस वीडियो निकल आएंगे। अगर आज की बात समझने में आपको पिछला वीडियो छूट गया, वैसे तरीका यह होना चाहिए आपको, लास्ट वीडियो को देखिए, आप लास्ट मॉड्यूल को कंप्लीटली स्टडी करेंगे, तब आप अगले मॉड्यूल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, एक्सप्लेन हो पाएगा आपका। सेवन टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, फिर मैं आपको बता, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इट इज डिपेंडिंग
द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको हम लोग जनरली एटम कहेंगे, ओके इस जगह, वैसे एटम मॉलिक्यूल आयंस हो सकते हैं, हमने पढ़ाए, हम लोग एटम से ही बात बताता हूं आपको। तो वेयर आर लोकेटेड यूनिट सेल में वो कहां लोकेटेड है, इस बेस पर, ऑन दिस बेसिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स एटम वेयर आर लोकेटेड यूनिट सेल ब्रॉडली टू टाइप्स क्लासिफाइड किया गया था, कौन कौन सी, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, एंड सेकेंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैंने कुछ पहले से ये बना रखे थे, दीज आर द यूनिट सेल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर केबल आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, ओके प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, दैट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, यू कैन से सिंपल यूनिट सेल, ओके सिंपल, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम आर लोकेटेड एट ओनली कॉर्नर्स, कॉर्नर्स राइट, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। वी हैव ऑलरेडी लर्न, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोज ऑल द सेवन टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम, ऑल द सीटोर एच एम टी, ऑल द सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हैविंग दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, सातों में ये जरूर होगी, बाकी है या नहीं अलग बात है, लेकिन प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल जरूर होगी। सेकेंड इज दीज आर द सेंटर्ड यूनिट सेल, अब सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स एटम नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अनदर प्लेसेस ऑफ द यूनिट सेल। अब वो अनदर प्लेसेस क्या है वो देखिएगा, सेंटर पर तो होंगे ही होंगे बेटा, सेंटर पर तो होंगे ही, एंड वन एटम ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल के सेंटर बॉडी में रहेगा, ओके इसको नाम दिया था हमने बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इज दैट क्लियर। इन अदर एंड फेस सेंटर्ड जो तीसरा था हमारा, फेस सेंटर्ड, ओके इन दिस ऑल द कॉर्नर्स कंटेन, ओके एंड वन एटम इज प्रेजेंट ऑफ ईच सेंटर ऑफ फेसेस, फेसेस, फेसेस कितने होते हैं सिक्स, कॉर्नर कितने होते हैं एट, राइट, फेस के सेंटर वन, फेस के सेंटर टू, नीचे के फेस के सेंटर, राइट के फेसेस सेंटर, आगे के फेस के सेंटर, पीछे के फेस के सेंटर, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हेयर कॉर्नर 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 ऑल द एट कॉर्नर्स एज वेल एज टू अप सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस उन पर भी प्रेजेंट रहेगा। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। अब कौन से टाइप की यूनिट सेल वाला क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल लेटिस किस सिस्टम में प्रेजेंट है, ये मैंने आपको टोटल 14 टाइप्स के क्रिस्टल लेटिस मैंने आपको बताए, नेचर में जितने भी क्रिस्टल मिलते हैं उनमें 14 टाइप के क्रिस्टल लेटिस प्रेजेंट रहते हैं। देन द टोटल 14 टाइप्स क्रिस्टल लेटिस आर नोन एज ब्रेवेस लेटिस, ब्रेवेस लेटिस। सेवन टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में ऑलमोस्ट ओवरऑल 14 टाइप क्रिस्टल लेटिस आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड ब्रेवेस लेटिस, ओके। मैंने ट्रिक्स बताई थी 3241121, 3241121 व्हाट क्या इंडिकेट क्या करती है आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे आप, ओके। सो आज हमारी जो हेडिंग नेक्स्ट न्यू मटेरियल हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, देखिए उस मटेरियल को स्टडी करने से पहले मैं एक बोर्ड पर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं बेटा, और वो डायग्राम क्या है इसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या मैं बनाने जा रहा हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, मैंने कोशिश ये की थी कि जो ए पीस ऑफ क्रिस्टल हैविंग इनफिनाइट यूनिट सेल, इनफिनाइट यूनिट सेल, हाउ मेनी यूनिट सेल ये कैलकुलेशन से पता करेंगे कि वो किसका एग्जांपल है, बट अभी आप ये समझने की कोशिश करें कि इनफिनाइट यूनिट सेल उसमें हो सकती हैं, राइट। अब इनफिनाइट यूनिट सेल हो सकती है का सेंस क्या है वो देखिएगा। तो ये बेटा मैं आपको आज की जो हमारी हेडिंग होगी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, राइट, व्हाट इट मींस, कॉन्ट्रीब्यूशन
एक्चुअली मैंने आप लोगों को जो बात बताई थी वो ये थी कि इन ए क्रिस्टल, उस क्रिस्टल के क्रिस्टल लेटिस में इनफिनाइट यूनिट सेल होती हैं, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस एटम आर क्लोजली टुगेदर अटैच्ड, बहुत ही नजदीक जुड़े रहते हैं. इज दैट क्लियर? अब बेटा ये जो मैंने बनाया है ना, ये लाइन एक्चुअल में ऐसा थोड़ा ना कि ये गैप है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, बिल्कुल ये इसके कॉन्टेक्ट में है, ये इसके कॉन्टेक्ट में है. लेकिन हम एक डेफिनेट ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए उनको लाइन से जोड़कर उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी ये हम लोग डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इसलिए हमने ऐसा दिखाया गया. आप इधर देख सकते हैं, बोर्ड पर दिख रहा है आपको, वन ब्लैक कलर वाले देखो, वन टू थ्री फोर. ब्लू कलर वाले देखिए, अब ब्लू कलर वाले आपको तीन दिख रहे होंगे, वन टू थ्री. एक्चुअल में एक बैक साइड में है, तो इस टाइप की यूनिट सेल. अब देखिए मैंने ये बाइल ज्वाइन कर दिया लाइन से, जैसे ही ज्वाइन करेंगे अगर ये, तो ये क्या बन गया, एक यूनिट सेल बन गई. इस यूनिट सेल में ये पार्टिकल कहां पर है, तो आपका आंसर होगा कॉर्नर पर, कॉर्नर पर, कॉर्नर, 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 कॉर्नर. ओके, और एक ब्लू वाला इसके पीछे कॉर्नर पर. इसका सेंस क्या निकाला हम लोगों ने, इसका सेंस ये निकाला बेटा हम लोगों ने कि एक्चुअल में एक यूनिट सेल में कॉर्नर के पार्टिकल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरा थोड़ा ना होगा, इतना पोर्शन होगा, ये केवल इतना हिस्सा, ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं इतना पार्ट होगा. आप अपने नोट्स में उसके डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए, फिर इसके बाद में आपको एक वीडियो क्लिप चलाऊंगा, उस वीडियो क्लिप से भी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे. आपको क्या दिख रहा है कि इस यूनिट सेल में कॉर्नर के पार्टिकल का, कॉर्नर के एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बेटा वो केवल इतना सा पार्ट होता है, दैट इज पॉइंट, ये पार्ट होता है. अब आप देखिएगा ये वाला पार्ट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये वाला पार्ट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है एक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में, ये वाला पार्टिकल जो कॉर्नर पर है ये कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, ये वाला पार्टिकल जो कॉर्नर पर है ये कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा. तो दैट इज द वन बाई एट पार्ट. इट मींस कॉर्नर के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन इन ईच यूनिट सेल 1/8 के रूप में काउंट होगा. यूनिट सेल में एटम कहां कहां लोकेटेड हो सकते हैं, किसी यूनिट सेल में कॉर्नर पर हो सकते हैं, किसी यूनिट सेल में, अच्छा कॉर्नर पर तो सभी यूनिट सेल में ही होंगे राइट, बट अनदर प्लेसेस में कुछ स्पेसिफिक यूनिट में होंगे, ये बात हम लोगों ने देख चुके हैं. यूनिट सेल में होंगे, किसी में बॉडी सेंटर्ड में भी हो सकता है, किसी में फेस सेंटर्ड पर भी हो सकता है, किसी में सेंटर ऑफ एज पर भी हो सकता है. बोर्ड पर जो मैंने बनाई इनमें से किसी में भी सेंटर ऑफ एज पर नहीं है. सेंटर ऑफ एज क्या होता है बेटा, ये एज लेंथ, ये एज कहलाती है ना, 12 एज होती है. कॉर्नर कितने होते हैं बेटा, कॉर्नर होते हैं 8, बॉडी सेंटर कितना होगा 1, बॉडी सेंटर 1, ओके, फेस कितने होते हैं 6, ओके, और तो फेस डायगोनल कितने होंगे, फेस डायगोनल एक फेस को अगर क्रॉस करेंगे डायगोनल बन गया, तो फेस डायगोनल बनेंगे 12, ओके. सेंटर ऑफ एज, तो एज कितनी होती है 12, एज कितनी होती है 12. अब देखिए काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और ये 12, या ये 12 होगी अगर काउंटिंग की हो. इस तरह से टोटल एजेस कितनी होंगी, 12 होंगी. तो एजेस के सेंटर पर भी पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकता है. हमारी हेडिंग है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल. सो उस क्रिस्टल में जो इनफिनाइट यूनिट सेल है, एक्चुअली दैट इज द यूनिट सेल ऑफ एन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस. ओके, बहुत सारी यूनिट सेल होंगी किसी क्रिस्टल यूनिट, क्रिस्टल लेटिस में बहुत सारी यूनिट सेल होंगी, उसका पार्ट ये है राइट, इसको एक यूनिट सेल कहते हैं. अब ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है इस यूनिट सेल में, ये कॉर्नर का जो पार्टिकल है बेटा, ये कॉर्नर का पार्टिकल इस वाली यूनिट सेल को भी बनाएगा, आगे वाली को भी बनाएगा, ऊपर वाली को भी बनाएगा, नीचे वाले को भी बनाएगा, दाएं बाएं. इट मींस कॉर्नर पार्टिकल इज शेयर्ड बाय, लिसन केयरफुली,
कॉर्नर पार्टिकल कॉर्नर एटम्स शेयर्ड बाय टोटल 8 यूनिट सेल टोटल 8 यूनिट सेल। फर्दर एग्जांपल वी कैन टेक फर्दर एग्जांपल लाइक दिस मैच बॉक्स से मैं आपको बताता हूं, आप इसे समझने की कोशिश करिए। ईच मैच बॉक्स इज ए यूनिट सेल राइट। सो हेयर हेयर दिस दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लेटिस इनफिनाइट यूनिट सेल आर प्रेजेंट हेयर राइट। सो इफ द पार्टिकल विच प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल दैट इज द कॉर्नर कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल यू कैन से दैट इज द एटम। इज दैट क्लियर। अगर ये कॉर्नर का एटम है बेटा तो कॉर्नर का ये एटम हाउ मेनी यूनिट सेल से शेयर करेगा देन यू कैन से दिस कॉर्नर एटम शेयर्ड विद 8 यूनिट सेल वन राइट दैट्स यूनिट सेल वन कॉर्नर एटम 1 2 3 4 और 4 इसके ऊपर रखी होंगी बेटा किसी भी कॉर्नर पर इस कॉर्नर पर इस कॉर्नर पर इस कॉर्नर पर कॉर्नर तो कॉर्नर का एटम इज शेयर्ड बाय टोटल 8 यूनिट सेल। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल इज 1/8 इट इज काउंट बाय 1/8 ओके। कॉर्नर का दोबारा फिर समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं बेटा कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट होगा विच शेयर्ड बाय टोटल 8 यूनिट सेल। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल काउंट बाय 1/8 तो कॉर्नर के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में 1/8 की फॉर्म में होगा। इज दैट क्लियर। मैं आपको वीडियो क्लिप से भी और दोबारा समझा दूंगा। तो ये 1/8 पार्ट 8 पार्टिकल है। अब यहां से सुनने की कोशिश करिए लिसन केयरफुली। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे सिलेबस में वैसे तो 3 टाइप के हमें स्टडी जो करना है हमारे सिलेबस में वो क्यूबिक सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है और यू नो वेरी वेल इन क्यूबिक सिस्टम कंटेन 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टर्न पर क्यूबिक सिस्टम कंटेन 3 टाइप्स यूनिट सेल सिंपल वाली बॉडी सेंटर्ड वाली एंड ऑल्सो फेस सेंटर्ड वाली राइट। चारों पार्ट टाइप की जो होती है वो किसमें पाई जाती है टेट्रागोनल में। क्यूबिक में 3 पाई जाती है राइट सिंपल। अब देखिए उस सिस्टम का नेम और इंक्लूड कर दो तो सिंपल तो ये हो गया एस सी फॉर क्यूबिक और सी फॉर सेल सिंपल क्यूबिक सेल राइट। बॉडी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब लिसन केयरफुली यहां आपको क्या समझना है। वी वॉन्ट टू नाउ हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन एससीसी यूनिट सेल हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल। इज दैट क्लियर। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट देन यू कैन से इन एससीसी यूनिट सेल हमें मालूम है कि एससीसी यूनिट सेल में एटम आर लोकेटेड ओनली एट कॉर्नर और कॉर्नर का ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट करता है 1/8 के फॉर्म में। इट मीन्स हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन एससीसी यूनिट सेल देन यू कैन से नंबर ऑफ एटम इन एससीसी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इन एससीसी यूनिट सेल इक्वल टू 8 व्हाट इज इट 8 कॉर्नर राइट इनटू 1/8 बाय व्हाट इज 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच यूनिट सेल देन 1 एटम देन वी यू कैन से इन एससीसी यूनिट सेल हाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ ईच एससीसी यूनिट सेल देन यू कैन से 1 एटम। एससीसी की हर यूनिट सेल में बेटा 1 एटम होगा। कैसे कैलकुलेट किया हमने इन एससीसी यूनिट सेल ऑल द 8 कॉर्नर लोकेटेड राइट एंड ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट काउंट बाई 1/8। इज दैट क्लियर। सो 8 × 1/8 इक्वल टू 1/8 तो एससीसी की ईच यूनिट सेल में एटम कितना काउंट होता है 1 होता है। यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे बीसीसी की यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम को काउंट करना नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल ओके। तो बीसीसी में कहां कहां प्रेजेंट है कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो रहता है 1/8 का ओके। और जो सेंटर में रखा है ना बेटा सेंटर में
सेंटर ऑफ द बॉडी जो रखा हुआ है, सेंटर ऑफ बॉडी, लुक एट द बोर्ड, सेंटर ऑफ द बॉडी, इट मींस दैट इज द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, ओके। ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो कॉर्नर का पार्टिकल तो 8 यूनिट सेल बनाता है, इसका मतलब कॉर्नर के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में 1/8 होगा। अच्छा, सेंटर ऑफ द बॉडी में जो पार्टिकल रखा रहता ना एटम, ये किसी और के साथ, किसी अनदर यूनिट के साथ इसका इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, किसी और को शेयर नहीं करता। जैसा आप अपनी अपने नोटबुक में देखिए, आपके पास जो नोट्स पहुंचा है उसमें देखिएगा, तो बॉडी के सेंटर का एटम बेटा किसी अनदर यूनिट सेल के साथ शेयरिंग नहीं करता। मतलब इट मींस इसका मतलब इसका फुली कॉन्ट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल के लिए आएगा। फुली कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एक एटम विच प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, सो फुली कॉन्ट्रीब्यूशन इज काउंट इन दिस यूनिट सेल, राइट। 1 के रूप में इसको काउंट किया जाएगा, दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो इन बीसीसी कहां कहां थे बेटा बीसीसी के अंदर? तो बीसीसी में एटम होते हैं 8, तो कॉर्नर पर, तो ब्रैकेट में मेंशन कर दो आप कॉर्नर, राइट, इनटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल प्लस 1 बॉडी सेंटर में रहेगा इनटू 1 कॉन्ट्रीब्यूशन, देन इट्स कैलकुलेटेड 8 इनटू 1/8 1 प्लस 1 इनटू 1 यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सो वी कैन से, यू कैन से हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल, देन यू कैन कैलकुलेट 2, ओके। 8 इनटू 1/8 8 इन ब्रैकेट कॉर्नर, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 1 बॉडी सेंटर इनटू 1 कॉन्ट्रीब्यूशन, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। टू एटम, यू कैन से टू एटम प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल, ओके। सो नेक्स्ट इज इन एफसीसी, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल, ओके। अब एफसीसी यूनिट सेल में कहां कहां प्रेजेंट रहते हैं, तो आप कहोगे ऑल द कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द फेस, सेंटर ऑफ द फेसेस। फेस का जो पार्टिकल होगा, लुक एट द बोर्ड, फेस पर जो पार्टिकल है वो कितने के साथ शेयर करेगा, आप देखिए, फेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स फेसेस होंगी। अगर फेस के सेंटर में ये पार्टिकल रखा है, फेस के सेंटर में ये पार्टिकल रखा है, तो बेटा ये 2 यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। इट मींस यू कैन सी दैट सिचुएशन इज जनरेटेड, ओके। किसी भी फेस के सेंटर में जो पार्टिकल रखा है ना बेटा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी शेयरिंग 2 यूनिट सेल के साथ होती है, किसी भी फेस पर, चाहे वो अपर फेस हो, लोअर फेस हो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, राइट। तो 2 यूनिट सेल के साथ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस यूनिट सेल में इस फेस के सेंटर का, इस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जाएगा, 1/2 जाएगा, 1/2 इसमें एंड 1/2 इसमें, राइट। सो हेयर कॉर्नर का 1/8, बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1, और फेस के सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना काउंट होता है, 1/2 का काउंट होता है, राइट। एटम विच प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द फेस बाय शेयर 2 यूनिट सेल, देन द कॉन्ट्रीब्यूशन इज काउंट बाय 1/2 ऑफ ईच यूनिट सेल, इज दैट क्लियर। सो वी कैन रिटर्न फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम काउंट करना है, देन यू कैन रिटर्न 8 कॉर्नर, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, देन कैलकुलेट 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 एटम्स। इट मींस नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल इक्वल टू 4 एटम्स। हाउ टू कैलकुलेट, 8 कॉर्नर इनटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 6 फेसेस इनटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 एटम। सो इन एफसीसी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम 1, इन बीसीसी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम 2, इन एफसीसी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम 4। आप एंड सेंटर्ड का भी निकाल सकते हैं बेटा, कैसे निकालेंगे, एंड सेंटर्ड में एटम कहां का प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का होगा, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का होगा बेटा, 1/8 का, राइट, प्लस
टू एटम फेसेस पर है और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, देन यू कैन कैलकुलेट 1+1 इक्वल टू 2 एटम्स, राइट, 2 एटम्स. सो एंड सेंट्रल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे बेटा, 2 होंगे. इज दैट क्लियर? 2, 8 कॉर्नर 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 2, 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 8 इंटू 1/8 1, 2 इंटू 1/2 1, 1+1 इक्वल टू 2 एटम्स होंगे. इज दैट क्लियर? मोटे तौर पर आप लोगों को बेटा क्यूबिक सिस्टम में जो 3 टाइप की यूनिट सेल है इनके बारे में देखना है. तो एससीसी की ईच यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 2, नंबर ऑफ एटम 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 होंगे. इज दैट क्लियर? तो हम अच्छा सेंटर ऑफ एज को और मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ एज पर जो पार्टिकल है, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, ओके. सेंटर ऑफ फेसेस पर जो पार्टिकल है, लाइट, दिस इज द एज, ओके. नाउ दिस इज द एज, ओके. यहां जो पार्टिकल होगा ना बेटा, वो 4 यूनिट सेल को, 4 यूनिट सेल को, अब देखिए ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल शेयर्ड विद 4 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल, राइट, 4 यूनिट सेल. दिस इज सिचुएशन इज क्रिएट, 4 यूनिट सेल, लिसन एंड वॉच केयरफुली, राइट. तो फेस के सेंटर का पार्टिकल 4 यूनिट सेल के साथ, 4 यूनिट सेल के साथ अटैच रहता है. तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच यूनिट सेल 1/4, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हियर 1/4 के रूप में काउंट होगा. जब कभी हमें इस तरह का एग्जांपल मिलेगा तो हम उसमें बताएंगे. तो कॉर्नर के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 के फॉर्म में, बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 के फॉर्म में, फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 के फॉर्म में, सेंटर ऑफ एजेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 के रूप में काउंट होगा. होप यू अंडरस्टूड इट, ओके. आगे बढ़े हम लोग, ओके. देन यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, या फिर आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो. हो गया. अब हमारे लिए एक तो मैं आपको यहां पर एक कुछ न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस कराने के बाद मैं आपको क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल आपको समझाऊंगा, ओके. ठीक, चलिए. देखिए एक न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पर लिखता हूं, वो न्यूमेरिकल ये है, ठीक. देखिएगा, एक क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल, आपको मैंने नोट्स में 4 न्यूमेरिकल भेजे हैं, आपको पहले वाले को यहां समझना है, दूसरे वाले न्यूमेरिकल का यहां से रिलेशन नहीं है, उसे अपन आगे जब वॉइड स्टडी कर लेंगे तब जाकर आप उसे समझिएगा. एक क्यूबिक यूनिट सेल कंसिस्ट consist of 3 element, of 3 element, okay, x comma y and z, okay, 3 element. X atom corner पर present है, corner, okay, x atom at present at corner. Y atom according to this question, y atom center of the body, center of the body, and z atom center of all faces, z atom center of all faces. So we want to find out the formula of compound, find out the formula of compound, formula of compound, okay. So here we want to find out the formula. फॉर्मूला मतलब उस कंपाउंड का फॉर्मूला बेटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है, विच इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट एक्स, एलिमेंट वाई, एलिमेंट जेड. एक्स एलिमेंट एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, वाई एटम आर प्रेजेंट एट सेंटर, एंड जेड एटम आर प्रेजेंट सेंटर ऑफ ऑल फेसेस, राइट. और किसी का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमें इन तीनों एलिमेंट का रेशियो निकालना है, ठीक है, एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड. इसे वोल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, वोल्ट नंबर में कन्वर्ट करना, वो उसका फॉर्मूला
रेडी हो जाएगा. सो वी वांट टू नाउ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्स एलिमेंट, ऑफ एक्स एलिमेंट राइट. अब एक्स एलिमेंट के नंबर कैसे निकालेंगे, एक्स एलिमेंट के एटम कहां पर प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर पर, क्यूबिक है बेटा, ये आपको कहा गया क्यूबिक, इट मींस एट कॉर्नर होते हैं. और कॉर्नर के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का होता है बेटा, 1/8 का, देन इट इज द 1. इज दैट क्लियर. नंबर ऑफ एटम ऑफ वाई एलिमेंट, वाई एलिमेंट हेयर प्रेजेंट और कॉर्नर, ओके कॉर्नर, वाई एलिमेंट सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में कितना होगा 1. इज दैट क्लियर. कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का काउंट किया जाता है 1, देन इट इज द 1, ओके. एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ जेड एलिमेंट, जेड एलिमेंट, एटम ऑफ जेड एलिमेंट प्रेजेंट सेंटर ऑफ ऑल फेसेस, इट मींस फेसेस, हाउ मेनी फेसेस, देन यू कैन से 6, एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, देन इट इज द 3. इज दैट क्लियर. सो द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, 1:1:3. सो द फॉर्मूला इज एक्स वाई जेड 3, ओके. ए क्यूबिक यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, एक यूनिट सेल है जिसमें 3 टाइप के एलिमेंट से वो बनी हुई है, हमको उसका फॉर्मूला बताना है. एटम ऑफ एक्स वाई जेड वेयर आर लोकेटेड, कॉर्नर, सेंटर, सेंटर ऑफ ऑल फेसेस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. देन वी वांट टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्स एलिमेंट विच प्रेजेंट एट कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम ऑफ वाई एलिमेंट विच प्रेजेंट सेंटर ऑफ द बॉडी, नंबर ऑफ एटम ऑफ जेड एलिमेंट विच प्रेजेंट एट फेसेस. सो 8 × 1/8 × 1, ओके, 1 × 1 = 1, 6 × 1/2 then = 3. Then the ratio of x ratio y ratio z, which is 1:1:3, then the formula is xyz3. Okay? Now, अगर फॉर्मूला इसी न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने ये कहा कि y एलिमेंट के जो एटम है बेटा वो 50% ऑफ द सेंटर है, 50%. इसका मतलब 1 × 1 = 1, 1 का 50% बनाएंगे तो ये 1/2 आएगा. Z एलिमेंट अगर ये 50% है तो 3 का 50% बनाएंगे तो 3/2 होगा. इस रेशियो को अपन यहां पर बनाएंगे, Y का 50% है, Z का 50% है, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे. अगला रेशियो देखिए, Y एक्स वाई रेशियो, ये न्यूमेरिकल तो हमने फिनिश कर लिया, फाइंड आउट भी कर लिया. अब अगला देखिए नेक्स्ट, X बनेगा 1 क्योंकि यहां कुछ नहीं कहा गया, इट मीन 100% है. Y के रेस्पेक्ट में अगर 50% कहा गया तो 1 का 50% बनेगा 1/2, और 3 का 50% कहा गया तो 3/2. इसको होल नंबर बदल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 2:1:3, देन फॉर्मूला इज x2yz3, देन फॉर्मूला इज x2yz3. आई होप अंडरस्टूड इट, ठीक है. बाकी दो न्यूमेरिकल जो मैंने आप लोगों को आपके नोट्स में अवेलेबल कराए हैं उनके बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ वॉइड्स में स्टडी करेंगे, ओके.